नमस्कार, इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश पर उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर। लव जिहाद का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। यूपी के बरेली में लव जिहाद का मामला मुकदमा दर्ज होने पर तूल पकड़ गया। आरोप है कि युवक लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर भागना चाहता था कि पुलिस ने उसे धर दबोचा। बरेली में लव जिहाद के एक मामले में बरेली पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तारी की है। दरअसल बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र में 28 नवंबर को एक किसान पिता ने लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराया था। तब से आरोपी युवक अपने घर से फरार था। आज पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर देवरनिया रेलवे फाटक से उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि युवक कहीं दूर भागना चाहता था जहां वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। एक बार फिर आपको पूरा मामला बता दें कि जबरन धर्मांतरण को लेकर बरेली पुलिस ने नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज की थी, जहां उवैस अहमद नाम के एक शख्स पर आरोप लगा था कि वह दूसरे समुदाय की छात्रा को प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तित करने का दबाव बना रहा है। पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने उस समय बताया था कि देवरनिया क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले किसान ने थाना पुलिस से की गई शिकायत में कहा था कि पढ़ाई के समय गांव के उबैस अहमद पुत्र रफीक अहमद ने उसकी बेटी से जान पहचान कर ली थी। उसने आरोप लगाया था कि उबैस अहमद बाला फुसला कर प्रलोभन और दबाव में लेकर छात्रा पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है और अपनी साजिश को पूरा करने के लिए वह लगातार दबाव बनाने में लगा है। विरोध पर छात्रा के पिता और परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, गाली गलौज करता है। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत को गंभीरता से लेकर आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और धारा 504 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी थी। फिलहाल आज पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी कर ली है। जल्द युवक को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। देखें इंडिया पावर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। सर, देवरनिया थाना इलाके का एक आरोपी था, उसको गिरफ्तार किया, क्या है? ये 28 तारीख को विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक आया था, उसके तहत एक मुकदमा लिखा गया देवरनिया में। तो उसका जो आरोपी था ओवैस, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया।